नमस्कार। हम सभी में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक आंख की बीमारी और एक पेट की बीमारी। आंख की बीमारी यह है कि इस संसार में आने के बाद मनुष्य की आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है या इस दुनिया का मालिक कौन है। और पेट की बीमारी यह है कि मनुष्य का पेट एक ऐसा कुआं है जो कभी भी नहीं भरता है। अपने पेट को भरने के लिए यानी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य हर प्रयत्न करता है और भगवान के भजन सत्संग आदि को भूल जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए यह कथा सुनिए। एक गांव में बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। एक दिन वैद्य जी अपने चिकित्सालय में रोगियों को देख रहे थे, तभी उसी गांव का एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि वैद्य जी, मेरी आंख में और पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, तुरंत उपचार कीजिए। अभी वैद्य जी उसका निरीक्षण कर ही रहे होते हैं, तभी एक अन्य युवक भी चिकित्सालय में आता है और वह भी कहता है कि वैद्य जी, मेरी आंख और पेट में पीड़ा हो रही है, कृपया कोई उपचार बताएं। वैद्य जी चकित हो जाते हैं कि एक ही समय में एक ही जैसे लक्षण वाले दो रोगी चिकित्सालय में आए हैं, कैसा संयोग है। वह दोनों रोगियों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें दो दो पुड़ियां दवाई की देते हैं। वैद्य जी दोनों रोगियों को समझाते हैं कि पहली पुड़िया पेट के रोग के लिए है, इस दवा को पानी में उबाल कर काढ़ा बनाना है तथा पीना है, पेट की पीड़ा से आपको आराम मिल जाएगा। वैद्य जी कहते हैं कि दूसरी पुड़िया आंख की दवाई है, जिसे रात को सोते समय अपनी आंख में डालना है। यह दवा ठंडी है, आंखों में डालने के बाद आपकी आंखों से गर्म पानी जैसा निकलेगा और आपका आंखों का रोग भी ठीक हो जाएगा। घर जाकर एक रोगी ने तो वैद्य जी के बताए अनुसार दोनों पुड़िया ले ली और उसे पीड़ा से छुटकारा मिल गया, परंतु दूसरे व्यक्ति ने दोनों पुड़िया पलट दी। उसने जो आंख की दवाई थी उस पुड़िया का तो काढ़ा बनाकर पी लिया, जिससे उसके पेट की पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि उस दवाई का असर ठंडा था। और जो पेट की दवाई थी उस पुड़िया को उसने थोड़ा सा अपनी आंखों में डाल लिया। आप अनुभव करें कि यदि आंखों में एक तिनका भी चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और उस व्यक्ति ने तो पेट के रोग के लिए बनाए गए चूर्ण को आंख में डाल लिया, तो उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। वह व्यक्ति कहने लगा कि वैद्य जी ने मुझसे दुश्मनी निकाली है, जो मुझे गलत दवाई दे दी, जिससे मेरी पीड़ा भयंकर हो गई। वह अगले दिन वैद्य जी के चिकित्सालय पहुंचा और बोला, वैद्य जी, आपने मुझे ऐसी दवाई क्यों दी जिससे मेरी पीड़ा बढ़ गई। वैद्य जी कहने लगे कि दवाई का असर सभी के शरीर के अनुसार अलग अलग समय से होता है, परंतु पीड़ा का बढ़ना उनकी समझ से भी परे था। तभी दूसरा रोगी जो इसी व्यक्ति के साथ कल दवाई ले गया था, वह भी आता है और मुस्कुराकर वैद्य जी का धन्यवाद करता है। कहता है, वैद्य जी, आपने मुझे इतनी बढ़िया दवाई दी है कि मैं एक खुराक से ही ठीक हो गया। पेट और आंख दोनों ही रोगों में मुझे बहुत आराम मिला है। पहले वाला रोगी तब कहने लगा कि हो सकता है कि यह व्यक्ति मुझसे अधिक धनवान हो, इसलिए आपने इसको तो अच्छी दवाई दे दी और मुझे ऐसी दवाई दे दी जिससे मेरी पीड़ा बढ़ गई। वैद्य जी बोले, आप दोनों अपनी अपनी दवाइयां निकाल कर दिखाइए। जो रोगी ठीक हो गया था उसने अपनी पुड़िया निकाल कर दिखा दी। उसके बाद उस रोगी ने जिसने दवाई पलट दी थी उसने कहा कि एक पुड़िया का तो मैं काढ़ा बनाकर पूरा पी गया हूं और दूसरी यह बची है, जिसे थोड़ा सा डालते ही आंखों में पीड़ा होने लगी। ऐसा कहकर उस रोगी ने एक पुड़िया अपने थैले से निकालकर वैद्य जी के सामने रख दी। वैद्य जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि यह दवाई तो पेट के रोग की दवाई है और यह मूर्ख इसको आंखों में डालकर इसका सारा दोष मुझ पर मंड रहा है। अब उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी
उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई, जब तुम आंख की दवाई को तो पेट में प्रयोग करोगे और पेट के रोग की दवाई का आंखों में उपयोग करोगे तो आपकी पीड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हम सब लोग भी रोगी ही हैं। हमें भी आंख और पेट दोनों के ही रोग हैं। हमारी आंख का रोग है कि हमें वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती कि यह शरीर हमारा नहीं है, प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और यह संसार रूपी माया भी हमारी नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं, जिस ओर हमारी आंख देख नहीं पाती। और हमारे पेट का रोग है कि हमारा पेट कभी भरता ही नहीं है, चाहे कोई निर्धन हो या धनवान, दोनों का ही पेट नहीं भरता है। कितना ही मिल जाए तब भी हम यही कहते हैं कि काम नहीं चलता, क्या करें। इन दोनों रोगों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए तो पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। हमें अपना सारा पुरुषार्थ अपने वास्तविक कल्याण के लिए ही लगाना चाहिए और हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि यह लोक भी और परलोक भी दोनों ही सुधर जाएं। हमें ऐसी ही करनी इस जीवन में करनी चाहिए। अपने स्वयं के लिए यानी के अपने पेट के लिए हमें अपने प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वही हमें मिलेगा, उससे अधिक हमें मिल सकता ही नहीं, जबकि हमने इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग पलट दिया है। हम आंखों से तो इस संसार को, मोह माया को, अहंकार को अपना मान बैठे हैं और सारा पुरुषार्थ अपना पेट भरने में यानी के भौतिक पदार्थों को पाने में लगा दिया है। हमें अपना सारा पुरुषार्थ आंखों के रोग के लिए ही करना चाहिए, यानी के हमें अपनी आंखों से इस बात को देखना चाहिए कि यह शरीर हमें कुछ समय के लिए ही भगवान की कृपा से मिला है और यह संसार तथा माया रूपी भौतिक वस्तुएं हमें प्रारब्ध से ही मिल सकती हैं। रामचरितमानस में आता है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध का वर्णन केवल शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी बनने के लिए या कर्म न करने के लिए इसका वर्णन नहीं किया गया है। जैसे यदि परिवार में हमारे किसी प्रिय को कोई रोग हो जाए तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका भलीभांति उपचार कराना चाहिए, लेकिन यदि प्रारब्ध के अनुसार उसकी मृत्यु भी हो जाए तो हमें इस तथ्य को लेकर चिंता शोक दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके उपचार में कोई कमी रखी, क्योंकि सभी से मिलना संयोग मात्र है। जो भी वस्तु या व्यक्ति हमें संयोग से मिलता है उसका वियोग होना निश्चित है, परंतु यदि हमने पुरुषार्थ में कोई कमी रखी तो हमें गहरा शोक और दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का भी ठीक पालन नहीं किया। इसलिए हमें अपने कर्म करने में सावधान रहना चाहिए और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। यद भावी न तद भावी, भावी चेन तदन्यथा, इति चिंता विषघ्नो अयम अग्धः किम न पियते। जो नहीं घटित होने वाला है वह होगा नहीं, यदि कुछ होने वाला हो तो वह टलेगा नहीं। इस विष रूपी चिंता के नाश हेतु आगे वर्णित औषधि का सेवन क्यों ना लिया जाए। ना देवमपि संचित्ते त्यजेत उद्योगमन आत्मना, अनुद्योगेन कस्तैलम तिलेभ्यम प्राप्तुम अर्हति। भाग्य का विचार करके व्यक्ति को कार्य संपादन का अपना प्रयास त्याग नहीं देना चाहिए। भला समुचित प्रयास के बिना कौन तिलों से तेल प्राप्त कर सकता है। ईश्वरम यत करोति शोभनम करोति, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इस सत्य को जो व्यक्ति समझ जाते हैं उनका आंख का और पेट का दोनों ही रोग ठीक हो जाते हैं, परंतु जो लोग पुड़िया पलट देते हैं अर्थात आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके यह दोनों रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से यदि सत्संग के लिए कहा जाए तो वह कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, और प्रारब्ध से मिलने वाले धन को प्राप्त करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करते रहते हैं, सारा पुरुषार्थ पेट के लिए ही लगा देते हैं, आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाए
तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, भगवान की ऐसी ही मर्जी, हम क्या करें, हमारा क्या दोष है। अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन करने में, सत्संग करने में, भगवान का भजन ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। हम यह नियम तो ले सकते हैं कि हम प्रतिदिन भगवान का कितना नाम लेंगे, परंतु हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि हम प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे, क्योंकि यह प्रारब्ध पर निर्भर है। पेट की बीमारी बढ़ने से, यानी अपने और परिवार के लिए भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने की इच्छा रखने से हमारा पेट का रोग बढ़ जाता है, और हम जब सारा पुरुषार्थ पेट के लिए ही लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे खर्च भी बहुत बढ़ जाते हैं। हमारा रहने का, खाने का, बच्चों की पढ़ाई का, गाड़ी का, बंगले का, सभी शौक बढ़ते चले जाते हैं। हम एक अंतहीन दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हमें यह दिखाई ही नहीं देता कि संसार छूटता जा रहा है, शरीर छूटता जा रहा है, और हम अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें दिखता ही नहीं कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। जिस लगन से हम पैसा कमाते हैं, उसी लगन से यदि भगवान में लग जाएं तो कल्याण हो जाए। यदि कुछ समय भगवान के ध्यान, भजन, सत्संग आदि में लगाते भी हैं तो उसे तुरंत पूरा करके यह सोचते हैं कि चलो आज का काम तो पूरा हुआ, अब कल देखेंगे। परंतु यदि हम यह सोचें कि एक दुकानदार जितने पैसे प्रतिदिन कमाता है, यदि किसी दिन वह उतने ही पैसे मात्र एक या दो घंटे में कमा ले, तो क्या वह अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है? वह ऐसा नहीं करता है। उसके बाद भी वह पूरे दिन बैठकर अपना व्यापार संभालता है। इसी प्रकार हमें जब भी जितना भी समय उपलब्ध हो, हमें मानव कल्याण में और प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। इससे हमारी आंख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। एवं अस्तु। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।